सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो हेलो सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो गाइज बहुत सारे बच्चे मेरे को कॉल कर रहे हो, कह रहे कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ इंग्लिश का, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी जिनका इंग्लिश का पेपर आज क्लास ट्वेल्थ वालों का अच्छा नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में प्रॉपर रिव्यू करूँगा क्लास ट्वेल्थ का, आज इंग्लिश का पेपर आया कैसा था और क्या रहा स्टूडेंट का रिएक्शन। तो देखो पहले तो बात करूँ स्टूडेंट रिएक्शन की, तो देखो यार अब स्टूडेंट का रिएक्शन हमेशा कई बच्चों का अच्छा रहता है, कई बच्चों को खराब रहता है। तो बहुत सारे बच्चे खुश भी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका पेपर छूट गया, कई बच्चे ऐसे जिनका कहना था पेपर बहुत हार्ड था। अगर प्रॉपरली बात करें तो पेपर ऐसा था कि थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ था, पेपर लेंथी भी था साथ में टफ भी था, बच्चों को दिक्कत आई आज के पेपर के अंदर। लेकिन इतना कह सकता हूँ बच्चे सेटिस्फाई है, लेकिन उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं जितना उनको होना था। चलो गाइज कोई बात नहीं, जिनका पेपर अच्छा हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका खराब हो उनको भी डीमोटिवेट नहीं होना। अभी आपके अगले बहुत सारे एग्जाम आएंगे, उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। इंग्लिश का हो गया, उसके बाद अब एग्जाम नेक्स्ट पे फोकस करो, अभी जो हो गया उसको भूल जाओ। हमेशा लाइफ में ध्यान रखना जो हो जाए उसको भूल जाया करो, लाइफ में आगे बढ़ो। आपका ये ख़राब हो तो अगला पेपर अच्छा हो उसकी कोशिश करो। बाकी बहुत सही रिएक्शन रहा बच्चों का, अब हमारे प्रॉपर वीडियो मैंने रिव्यू करके बता दिया पेपर कैसा था। बाकी गाइज नेक्स्ट वीडियो मिलेगी इसी तरीके कोई टॉपिक के ऊपर, तब तक गाइज आप सभी को इतना ही बोलूँगा, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना और ना ही डीमोटिवेट फील करना है। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।